शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और सड़क की भी लिखावट नहीं मिल रही है, हमको कौन धमकी दे सकता है? आपकी सासू माँ के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। श्रवणी नाम की यहाँ कोई बच्ची नहीं है। आपके यहाँ जो वीरेन जी काम करते हैं ना? हमारे यहाँ तो कोई वीरेन जी काम नहीं करते। हमें किसी का फोन आया था, एक अंकल ने हमसे कहा कि शरद अंकल का एक्सीडेंट हो गया। हेलो, अरे मनोज बाबू, ऐसी कोनू बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी है। अरे हमारी बात तो सुनिए, अरे हवेली पे कोई नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक है, हम आते हैं। भगवान जी, हाँ बीना आंटी और उनके छुटके बच्चे को बचा लीजिएगा प्लीज। क्या हुआ? पिनाटी बेहोश होकर गिर गई थी। हमारा बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर अंकल पिनाटी को अंदर लेकर गए। हमारा बच्चा? चल डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम काहे? हमारा बच्चा तो ठीक होगा ना? हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। शरद, हमारी बात मानो, शरद शांति रखो। बिना ठाकुर के पति कौन है? हमें, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? रिलैक्स रिलैक्स, बिना जी की हालत अब खतरे से बाहर है। वो गिर गई थी इसलिए थोड़ी अंदरूनी चोट थी, बाकी थोड़ी देर के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, हम कह रहे हैं हमारा बच्चा तो ठीक है ना? हमारा बच्चा? शरद आराम से बोलिए डॉक्टर, बोलिए। बोलिए। देखिए, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। सॉरी।
शरद, ए शरद, तो ये सब हमारी बाना का किया है। वाह बाना वाह, मानना पड़ेगा तुमको। संभालो आप यहाँ, संभालिए, हम शरद को संभालते। बाबा कहाँ चले गए? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बाबा को तो घर पे होना चाहिए। क्या करे क्या करे क्या? घर जाते हैं और सबको बता देते हैं कि बाबा बाहर चले गए। बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगा तो नहीं? आपको तो काफी चोट लग गई है। चलिए चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए ना, हमारी पत्नी की तबीयत खराब लग रही है। इनके सर पे चोट लगी है, जरा देखिए। चलो चलो चलो, चलो। पता नहीं शरद अंकल कहाँ होंगे। जैसी बीना आंटी होश में आएगी ना, वैसे शरद अंकल को ढूंढेंगी। यहाँ पर भी नहीं है। बंटी, बंटी, हमने मना किया है ना, ऐसे बाहर मत खेल। अरे बीमार हो जाएगा, समझता क्यों नहीं है? बेटा हमारी बात सुन। बाबा, बाबा हवेली के बाहर चले गए। माँ,
हम उनके पीछे भी भागे लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और ढूंढने पर ये भगवान ऐसे कहाँ चले गए वो? उनकी रक्षा करना। हेलो, ये क्या बोल रहे हो? क्या हुआ माँ? हाँ माँ बोलना, बता ना भावना क्या हुआ? बोलती काहे नहीं, बोल रहे। पता ना क्या हुआ? बता, मास्क ना लो। अभी अभी फोन आया था, बिना भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और उनका बच्चा निरामा और अस्पताल में। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? पहले भानु के बाबूजी चले गए और बीना के जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी उसे छीन ली। हे भगवान, ऐसा काहे हो रहा है हमारे घर में? भावना, बीना चाची का बच्चा मर गया? श्रवणी ने तो सपने में भी देखा था ना कि बीना चाची का बच्चा किसी खतरे में था, पर श्रवणी को पहले से कैसे पता चल गया कि बीना चाची के बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है? बीना माँ बनने वाली है। अफसोस हुआ जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे और बीना के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं इसके गुनहगार हम नहीं। हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया। हमें माफ कर दो सरन, हम तुम्हारे बच्चे की जान नहीं बचा पाए। जानते हुए कि बीना नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, उसने जानबूझकर लापरवाही की है। तुम्हें याद है ये तुम गलत दवाइयां क्यों खा रही हो? बंटी के वक्त तो हम ये रात को खाते थे। तुमको पता नहीं है कि कच्चा पपीता खाने से तुम्हारा बच्चा गिर सकता है, नुकसान हो सकता है? तुम जानती थी ये बात? जी जानते थे, लेकिन क्या कर रही हो? भाभी बस इनका पर्स उठा रहे थे। बटुआ कोई भी उठा सकता था, हमको बोल देती, भानु को बोल देती, विरोन को बोल देती। पंडित जी ने कहा है कि शाम को 7 बजे तक चंद्र ग्रहण है, तो तुम आसमान की तरफ मत देखना, खिड़कियां बंद रखना, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वो कैसे चाह सकती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में ना आए? क्यों किया बीना ने ऐसा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें शक था लेकिन चूक गए, हम उसे रोक नहीं पाए। हमारी एक पल के लिए नजर हटी और दुर्घटना घटी, मार दिया उसने तुम्हारे बच्चे को। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो।
कहा था ना हमने कि इस राजपाट के मालिक सिर्फ हमारे बच्चे होंगे। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम इसी तरह रास्ते से हटा देंगे। बाबा कहाँ होंगे? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे थे? वो तो लखनऊ में थे ना? और माँ का है? अगर किसी ने भी पापा को देख लिया ना और चंद्रा आंटी को बता दिया तो चंद्रा आंटी कुछ भी कर सकती है। कहाँ होंगे? नेत्रा हमारी बहू। क्या किया केशव बाबू? भूल गए किस खानदान से हैं? इनके आगे नात ना पीछे पगा शादी करके ले आ, सरव शरम नहीं आई? सड़क की धूल आंखों पे नहीं लगाई जाती। निकल बाहर। अगर नेत्रा यहाँ है तो मतलब हमारा केशव भी यहीं जरूर होगा, हमारा बेटा। हम जानते हैं हमारा केशव भी यहीं है। चंद्रा बहू को नहीं पता चलने दे सकते कि हमारी नेत्रा बहू भी यही है। वो जरूर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। हमें नेत्रा बहू को चंद्रा से बचाना होगा। आज हम बहुत खुश हैं। जैसे केशव और नेत्रा के बच्चे को हमने खत्म कर दिया था, आज शरद और बीना के बच्चे को भी हमने कहा था ना कि हमारे घर पे सिर्फ हमारे बच्चे राज करेंगे और जो भी रास्ते में आएगा ना, ना चाहते हुए भी काका करना पड़ता है। बाबा कहाँ चले गए? हमें मिल क्यों नहीं रहे? क्या करें? नेत्रा बहू को चंद्रा से कैसे बचाएं? हाँ, यही सही है। चंद्रा को पता नहीं चलेगा कि ये हमारी नेत्रा बहू है।
अच्छा एक बात बताइए, अब तो बीना जी को यहाँ से लेके जा सकते हैं ना? जी सर। अरे यार महाराज, आई एम सॉरी। जी कोई बात नहीं। अरे मोहन जी आप? अरे हम वीरेन, हम वीरेन। अरे अरे पकड़ी पकड़ी पकड़ी, आप यहाँ कैसे? आप तो लखनऊ में थे ना, गोरखपुर कैसे आ गए? वीरेन जी। हाँ हाँ वीरेन, और नहीं तो कौन? कहाँ है हमारी बच्ची? कहाँ है हमारी बच्ची? कहाँ है हमारी बच्ची? अरे आप बच्ची एकदम ठीक ठाक है, आप टेंशन मत लीजिए, इधर आइए हमारे पास आइए। आप कहा बिना बात के जज्बाती हो रहे हैं, बताइए क्या बात, इधर कैसे आ गए आप? आपने हमसे झूठ कहा था कि हमारी बच्ची आंगनबाड़ी में है, हम वहीं से आ रहे हैं। उन्होंने कहा इस नाम की कोई बच्ची नहीं रहती वहाँ, और आप भी वहाँ काम नहीं करते, तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा? हम कुछ नहीं जानते वीरेन जी, आप हमें बताइए हमारी बच्ची कहाँ है? अरे आपकी बच्ची एकदम ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, यहीं पर है, मतलब हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? वीरेन बाबू क्या हुआ है हमारी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक ठाक है, बिना बात के आप पैनिक कर रहे हैं, एकदम बढ़िया है, अभी मिलवाते हैं हम आपको उससे। अब झूठ बोल रहे हैं, हमें आप पे भरोसा नहीं। अरे हम कह रहे हैं आपको मिलवा रहे हैं, यहीं हैं, हॉस्पिटल ही में हैं, अपनी सहेली को देखने के लिए आई है, जैसे ही फ्री हो जाएगी आपसे मिलवा देंगे, बिना बात के परेशान हो रहे, आप टेंशन मत करिए। नहीं नहीं नहीं, आप अभी बुलाइए ना शर्वनी को, आपको अभी मिलना है। चलिए आइए हमारे साथ, आइए चलिए हम मिलवा देते हैं आपको, आइए। ऑपरेशन थिएटर। शीतल मिश्रा, शीतल मिश्रा, शीतल मिश्रा, शीतल मिश्रा। ऑपरेशन थिएटर रेडी है, शीतल मिश्रा को ले जाना। हाँ यही है शीतल मिश्रा, चलो। दीदी दीदी, कहीं आपने हमारे माँ बापू को देखा है? वो ना देख नहीं सकते। नहीं बेटा मुझे नहीं पता। दादाजी आप, और आपके सर में चोट कैसे लगी? उसको छोड़ो बेटा, हमारी बहू नेत्रा हॉस्पिटल में है। कहाँ है वो? वो ठीक तो है ना? वो अंदर है। हाँ जल्दी आइए दादाजी। भाई साहब समझ, अब यहाँ कैसे? केशव और नेत्रा यहाँ पर हैं। दिखाइए हमको, दिखाइए। केशव नेत्रा यहाँ है? अगर किसी ने भी पापा को देख लिया ना, और चंद्रा आंटी को बता दिया तो चंद्रा आंटी कुछ भी कर सकती है। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।